अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल बी ग्रेटली ब्लेस्ड विद हेल्थ। एंड टुडे आवर एक्टिविटी इज अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। ओके, क्वेश्चन नंबर वन, दैट इज द मेंशन हियर, हु इज़ द लास्ट प्रॉफिट, व्हाई इज ही द लास्ट वन। आखिरी नबी कौन है और क्यों वो आखिरी नबी है? हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट, ही केम एज मर्सी फॉर द आलमीन। आलमीन से मुराद हम ये कह सकते हैं, यू कैन से दैट फॉर ऑल द वर्ल्ड्स, फॉर ऑल द क्रिएचर्स। इस वजह से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्सी फॉर द आलमीन इसको कहा जाता है। द वर्ड इज बेसिकली इन द इंग्लिश रहमतुल आलमीन। इसी कुरान मुकद्दस में कहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैनकाइंड, इंसानियत के लिए जिन, जन्नात एंड अदर ऑल अदर क्रिएचर्स, यानी तमाम महलूक और दूसरी महलूक कह सकते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स। अंबिया यानी कि पैगंबरों के वाक्यात का क्या मकसद है? द स्टोरीज आर नॉट फॉर इंटरटेनमेंट। अंबिया की जो वाक्या थे वो इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, तफरीक के लिए नहीं, बल्कि वो एक अकासी करती है अल्लाह के नबी पहले ज़माने, जो गुजरे हुए ज़मानों में क्या करते थे, किस चीज़ की तबलीग करते थे और इनके साथ क्या सलूक किया गया। द टीचर्स मॉरल लेसन, वो हमें अहलाकी सबक, ये वाक़ियात हमें अहलाकी सबक सिखाती हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु आर द पीपल ऑफ मदीन, मदीन के लोग कौन थे, व्हाट इवल्स डिड दे डू, क्या गुनाह वो करते थे। इवल डीड्स मीन बुरे काम या गुनाह। द पीपल ऑफ मदीन वर अरब्स हु लिव्ड इन द कंट्री ऑफ मान, जो मान के मुल्क में रहते थे, यानी कि मदीन क्या है, मान का एक हिस्सा था। दे वर ग्रीडी, वो लालची थे। दे वर ग्रीडी पीपल हु डिड नॉट बिलीव इन द बीइंग ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं रखते थे, यानी कि अल्लाह के वजूद को मानते ही नहीं थे। दे लेड विकेड लाइफ, वो बुरी ज़िंदगी गुजारते थे, यानी कि अपनी मनमानी के मुताबिक, यानी कि जब दिखाना को छोड़ देना कुछ, यानी कि बदमाशी हम कह सकते हैं। दे गेव शार्ट मेयर्स, वो नाप कम मापते थे, यानी कि वो दिखाते कम और देते कुछ थे। एंड हिट देयर डिफेक्ट्स, और अपने बुरे कामों को भी छुपाते थे, यानी कि दिखाना कुछ है, माल दिखाना कुछ और देने के लिए कुछ छोड़ दे देते थे, जब देने की बारी आती तो कुछ छोड़ देते थे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डिड दीज पीपल नॉट एक्सेप्ट हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की टीचिंग। इन लोगों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तालीमात को, टीचिंग्स मीन तालीमात को, क्यों नहीं कबूल किया। दे वर इंगेज इन इवल वेज, वो बुरे कामों में मुलव्वस थे। दे डू नॉट वर्शिप, यहाँ पे जो वर्ड है डिड नॉट यूज होगा, व्हाट विल बी यूज हियर, डिड नॉट, बिकॉज इट्स अ पास्ट टेंस। दे डिड नॉट वर्शिप अल्लाह, उन्होंने अल्लाह की बात नहीं की। दे इग्नोर्ड द कॉल्स ऑफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, यहाँ पे जो कॉल से जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, बुलावा, दावत। दे इग्नोर द कॉल्स ऑफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत को नज़रअंदाज किया। एंड यूज़ टू सी हिम, और उनको कहते जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनको दावत देते इस्लाम की, तो वो कहते ओ शुएब, एंड यूज़ टू सी हिम ओ शुएब, ए शुएब अलैहिस्सलाम, वो अलैहिस्सलाम नहीं कहते, लेकिन हमें कहना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्ट द ऑल द प्रॉफिट्स। वी डोंट बिलीव, वी डोंट अंडरस्टैंड मच ऑफ दैट यू टेल अस, हमें आप जो समझाते हैं, जो कहते हैं, हमें उसका वो ज़्यादा समझ नहीं आता। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दीज स्टोरीज, आपको इन वाक्या से यानी कि इनके किस्सों से क्या समझ आती है। वी शुड वर्शिप अल्लाह, वी शुड नॉट इंगेज इन ईवल डीड्स एंड ऑलवेज फॉलो द
राइट बात। और हमेशा सही रास्ते की पैरवी करें, उसको चुनें। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और हदायत, अल्लाह की तरफ से जो अंबिया ने हदायत का पैगाम दिया उसकी पैरवी करें। अदरवाइज अल्लाह विल पनिश अस, नहीं तो अल्लाह हमें नाफरमानी पर सज़ा देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द पीपल ऑफ मदीन पुट हिंड्रेंसेस इन द वे ऑफ द प्रॉफिट। हिंड्रेंसेस कहते हैं प्रॉब्लम्स को, रुकावटों को, कि मदीन के लोगों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के रास्ते में किस तरह रुकावटें रखीं, तो या उनको किस तरह परेशान करते, या उनके रास्ते में किस तरह तकलीफ़ पैदा करते। दे यूज़ टू सिट ऑन द रोड्स, वो रोड्स पर बैठते थे। एंड ट्राई टू कीप द पीपल अवे फ्राम रीचिंग हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, और जो लोग हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आना चाहते उनको रोकते। दिमाग हिज वे ऑफ गाइडिंग, वो लोग यानी कि मदीन के लोग हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की रहनुमाई का, तरीके का, यानी कि हदायत का मजाक उड़ाते। मार्क मीन मजाक उड़ाना। दे सीज द बिलोंगिंग ऑफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की चीज़ों को यानी कि उनके साजो सामान को छीन लेते या पकड़ लेते। एंड हिज फॉलोअर, और उनके जो पैरोकार हैं उनकी तालीमात पर जो चलने वाले लोग हैं उनसे भी इस तरह का ही सलूक करते। देन ड्रोव देम आउट ऑफ द सिटी, फिर वो उनको शहर से बाहर तक ले जाते। ड्राइव ड्रोव ड्राइवर, इसका मतलब है कि बाहर तक ले जाना, ड्रोव आउट यानी कि शहर के बाहर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड अल्लाह अलमाइटी पनिश द पीपल। Here the word is two people, we have to cut this one. How did Allah Almighty punish the people of Madin? Allah Ta'ala ne Madin ke logon ko kis tarah kaise saza di? One day Allah sent a cloud, ek din Allah ne badal bheja. They rushed outside in the hope of enjoying the rainfall. Wo apne gharon se is umeed par bahir nikle ki wo barish se लुत्फ़ानंदोज़ होंगे यानी कि बारिश से इंजॉय करेंगे। द क्लाउड बर्स्ट हर्डलिंग थंडरबोल्ट्स एंड फायर, हुआ ये कि बादल ने क्या बरसाया। हर्डलिंग मीन जोर से फेंकना, थंडरबोल्ट्स मीन यानी कि गोले, यानी कि जब बर्फ़ के गोले, वो भी अगर ज़ोर से लगे तो वो भी क्या है, तकलीफ़ देह होता है। एंड फायर, उससे बादल ने क्या किया, बारिश और जोर के गोले और बारिश और आग भी बरसाई। दे वर ऑल डिस्ट्रॉयड, वो इस कदर शदीद थे कि वो तमाम लोग तबाह बर्बाद हो यानी कि मर गए। एस इफ दे हैड नेवर लिव्ड, वो इस अंदाज से कि इस कदर अजाब आया उन पर कि ऐसा लगता था कि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं था, यानी कि वहाँ पे कभी वो जिंदा थे ही नहीं। वट एवर डीड्स डिड द पीपल ऑफ अलाइका डू, अलाइका के लोग क्या बुरे काम करते थे, या क्या गुनाह करते थे। दे डिड मैनी इवल डीड्स, वो बहुत से गुनाह करते थे। लाइक करप्शन, वो करप्शन भी, रिश्वत भी लेते थे। एंड मिस्चीफ इन द लैंड, और ज़मीन पर गुनाह भी करते थे, बुरे काम भी करते थे। दे गेव शॉर्ट मेजर्स, वो कम तोलते। एंड डिफ्रॉड द पीपल, और दोस्तों डिफ्रॉडेड इट्स अ पास्ट फॉर्म, यू हैव टू राइट हियर। डिफ्रॉडेड द पीपल, वो लोगों को धोखा भी देते थे। नेक्स्ट वन इज हाउ डिड अल्लाह अलमाइटी पनिश द पीपल ऑफ अलाइका, अल्लाह ताला ने अलाइका के लोगों को किस तरह सजा दी। हु दोज हु मार्क अल्लाह प्रॉफिट वर पनिश, जिन लोगों ने अल्लाह के नबी की तबलीग का या तालीमात का मजाक उड़ाया। सो अ ग्लोमी क्लाउड सीज द पीपल ऑफ अलाइका, तो एक दर्द भरा बादल ने उनको पकड़ लिया और वो तबाह हो गए। व्हाट डू यू डू व्हेन पीपल डोंट बिलीव व्हाट यू सी, आप क्या करेंगे जब लोग आप क्या करते हैं जब लोग आपकी बात पर यकीन
नहीं करते। ओके, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल बी यूज हियर, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, आई विल ट्राई टू रिमेन काम एंड गिव लॉजिक्स, मैं खामोश रहूँगा और उनको लॉजिक यानी कि रीजंस के साथ बात समझाने की कोशिश करूँगा। एंड आई विल ट्राई टू कन्वे माई मैसेज इन डिफरेंट वेज, और मैं अपनी अपना पैगाम मुख्तलिफ तरीक़ों से कन्वे करने की यानी कि समझाने की कोशिश करूँगा। दैट विल बी अंडरस्टैंडेबल, यहाँ पे स्पेस नहीं आती, यू विल रिमूव द स्पेस हियर। दैट विल बी अंडरस्टैंडेबल फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए काबिल समझ होगा, यानी किस कदर होगा कि वो उस बात को समझ सकें। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर केयरफुली एंड प्रॉपरली। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।